हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज किस वाली न्यू वीडियो पर। आज की किस वाली न्यू वीडियो में मैं यूट्यूबर्स के द्वारा किए गए प्रो क्लचेस, सारे प्रो क्लचेस करने की कोशिश करूंगा। मेरे को पता है मैं सारे तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ जितने मेरे से होंगे मैं करने की कोशिश करूंगा। इस वाली वीडियो में ड्रीम बोर्ड क्लच करने वाला हूं, और एक ऐसा क्लच जो शायद ही इस दुनिया में किसी ने करा होगा। मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी यूट्यूबर्स का वो वाला क्लच नहीं देखा है। तो आज मैं एक ऐसा क्लच करूंगा जो शायद नहीं करा किसी ने भी, जितना मुझे लगता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वाली वीडियो पसंद आते है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। वीडियो का लाइक है मैं 1,00,000 औकात में रहो। हाँ सॉरी, वीडियो का लाइक है मैं 2,00,000 का टारगेट। एक आपको अपने फोन से करना है, एक अपनी मम्मी के फोन से करना है। अबे साले। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला प्रो क्लच कौन सा है। तो ये ड्रीम की तरफ से आता है, और यहाँ पर नीचे बोट बनाने की कोशिश करते हैं बट नहीं बनती, क्योंकि चार ही प्लैंक होते हैं। उसके बाद इसकी बनाते हैं लैडर, और उसके थोड़ी देर बाद ओके तो ड्रीम यहाँ पर ऑब्सीडियन लगा देता है, और ऊपर से सैपने भागे और उसने एक क्रिटिकल मारा, और ये नीचे बच गया भाई। मैं भी करूंगा। इस तो मैं गेम में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने ऊपर बेड लगाया, और एक बार में नहीं होने वाला इसीलिए बेड लगाया है। और उस जगह पर मेरे को नीचे करना है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से। और ओ भाई लिटरली मेरे से फर्स्ट ट्राई हो गया भाई, विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, बट मैं इसे दोबारा करूंगा। पक्की बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। लेट्स गो। आगे स्वाद। हाँ मुझे पता ही था मेरे साथ ऐसा होने वाला है। ओके तो मैं दोबारा जाता हूँ, और ये मैं गया, कर दिया, नाइस गाइस। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, मैंने क्लच कर दिया ये वाला। बट वहां पर उसने क्रिटिकल खा के करा था। मेरे पास यहाँ पर कोई भी हंटर नहीं है मेरा, तो मेरे को ऐसे ही करना पड़ा, कुछ नहीं कर सकते अभी। तो अगला क्लच देख गाइस, तो अगला क्लच है निज गेमर की तरफ से, जो कि मैं ही उनको उस समय पे मार रहा था, और मैंने भाई स्विफ्ट इतना तगड़े तरीके से दबाया था, मैं छूटा ही नहीं, और वो नीचे गिर चुके हैं। और यहाँ पर भी हॉर्स वाली एमएलजी करते थे, मुझे पता ही था क्योंकि मैं उस समय था, मुझे भी समझ नहीं आया वो बच्चे कैसे थे उस समय। अगर मैं दो तीन हॉर्स स्पॉन कर देता हूँ, और इसको कट कर देते हैं, ऊपर चलते हैं। ओके तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, और नीचे है बहुत सारे घोड़े। देख रहे कि मेरे से फर्स्ट टाइम है ये हॉर्स वाली एमएलजी होगी। भाई सारे घोड़े तो भाग गए यार, देखता हूँ उस वाले घोड़े तक पहुंच पाता हूँ कि नहीं। अरे एक सेकंड, मैं क्रिएटिव मत आ, अभी मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ, और अभी देखते हैं उस वाले घोड़े के पास तक मैं पहुंच पाता हूँ कि नहीं। अबे नहीं यार, मैं और दिया भाई ओपी गाइस। तो नेक्स्ट क्लच फिर से ड्रीम की तरफ से, और ये शायद वो वाला है। और हाँ वो जो फिशिंग रॉड से स्ट्राइडर को उठाता है, उस पर फिर सैडल लगाता है और फिर बैठ जाता है, वही वाला ये। ओके तो यहाँ से इसने उठाया स्ट्राइडर और जी बैठ गया, नाइस भाई, ये तो मुझे भी करना है ये। तो गाइस मैंने सब कुछ रेडी कर लिया, और हमारे पास फिर से कोई भी हंटर नहीं है, तो थोड़ा हंटर ऐसा लगेगा कि हाँ हंटर है, ऐसे एक्टिंग करते हैं। ओ भाई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पकड़ो पकड़ो, भागो 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 भागो, जल्दी भागो जल्दी भागो। यहाँ पर मेरे को ये फेंकता हूँ, व्हाट मैंने गलत करा गाइस, मैं फिर से करूंगा, पता नहीं क्या कर दिया मैंने ये, बट हाँ जो भी था अच्छा था, पर मैं दोबारा करूंगा। मेरे को एकदम हवा में करना है और बैठना है, फिर तो फिर से हमको वो वाली ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी। बेकार मेरे पीछे, भागो भागो जल्दी 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 जल्दी। अबे इसके ऊपर पहले से बच्चा बैठा हुआ था, मेरा नसीब ही खराब है। मैंने कर दिया लिटरली, बाहर मत बे, निकल चिमकांडी, इतना मुश्किल से किया था बट मैंने कर दिया गाइस, मैंने क्लच कर दिया। बाद को मैं मरा क्योंकि मेरी हेल्थ कम थी, पर कोई बात नहीं, मैंने कर तो दिया। अभी नेक्स्ट क्लच देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्लच है यार गेमर फ्लीट, ऊपर से कूदेंगे, चेस्ट में से लाइटर निकालेंगे और पहनेंगे और फिर करेंगे। भाई ये हार्ड होने वाला, बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। ओके तो देखते हैं, इन्होंने कर दिया, मैं भी करूंगा। तो अभी मैं रेडी हूँ गेमर फ्लिट का वो लाइटर वाला क्लच करने के लिए। तो अभी यहाँ से नीचे जाना है और इसमें से निकालना है लाइटर और जी पहन लेना। फर्स्ट ट्राई, मतलब उससे पहले मैंने ऑफलाइन जाकर ट्राई किया था बहुत ज्यादा, बट मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम पहली बार में कर दिया लिटरली भाई, विश्वास नहीं हो रहा मेरे को भाई। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो भाई, अब तो पक्का कर दो। नेक्स्ट क्लच है हिसी की तरफ से, और तो ये हिसी की तरफ से और उसके हंटर्स को मार रहे हो, उसने नीचे गिरा दिया और ज्यादा ज्यादा पोषण निकाल और मार भी दिया इतनी जल्दी।
भाई ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ड्रीम बोट क्लच से ऐसा लग रहा है मेरे को तो, बट मैं इसे करूंगा, जरूर से करूंगा। तो मैंने उसका पूरा सारा सेटअप बना दिया है, वो रहा सामने ब्रूइंग स्टैंड और आपको तो पता है बेड किस लिए होता है। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे, कूदेंगे और ऐसा तो नहीं करना था। ओके तो सबसे पहले हम जाएंगे और भाई इस बार तो खुला ही नहीं यार, ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, बट मैं करके मानूंगा इसे। नहीं, सबसे पहले मैं अपने कंट्रोल्स में जाऊंगा, इधर कंट्रोल्स में जाके और ये एक ई का बटन होगा ये रहा, इसको वाई बनाऊंगा और बस। ओके तो अभी मैं इस क्लच को करने में ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। वो कर दिया भाई, कर दिया, मैंने बोला ना भाई वो ई की वजह से मेरे साथ होता है, मैं जब भी वो ई लगा के करता हूँ ना तो शायद मेरे से वो ना बार बार मैं इन्वेंट्री खोलता रहता हूँ, तो मेरे से होता नहीं है कोई भी क्लच जो ऊपर से गिरने वाले होते किसी चेस्ट वेस्ट में से। और जो गेमर फील्ड वाला था वो भी मेरे को बहुत ज्यादा टाइम में हुआ था, बट पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग के टाइम पे मेरे से फर्स्ट ट्राई में हो गया। अगला क्लच फिर से ड्रीम की तरफ से, और भाई जाया था क्लच ड्रीम की तरफ से जाता है क्योंकि उसी ने ज्यादा करे है, और इसमें ये इसके पीछे हंटर्स पड़े हुए और आ गया डेड एंड। और ये क्या भाई बोर्ड लगा के लावा पे चढ़ा दी, और ये पद बच गया भाई, पार कर दिया इसने, मैं भी करूंगा, ये मैं भी करूंगा। इसके बाद आगे चलते हैं, स्ट्राइडर हट जा, मैं तुझे चुनौती देता हूँ भाई मैं बोल रहा हूँ तुझे, हट जा यहाँ से, निकल सिमकांडी, मेरे को तू नहीं रोक पाएगा। ओके तो अभी यहाँ से चलते हैं और जिम जाते हुए। नहीं भाई, अरे कर दिया भाई, फाइनली मैंने कर दिया, कैसे भी सही, इतना देर लग गया बट मैंने कर दिया भाई। तो नेक्स्ट क्लच है ड्रीम की तरफ से, और ये बनाई पिकैक्स, और पिकैक्स की जगह वापस से भाई, अच्छा क्लिप कटी हुई है, मैं कह रहा ये क्या हो रहा है अचानक अचानक से। और नीचे साइड से कोई तो है, सूटअप हुआ किसी का, और यहाँ से इसने अपने, कौन है उसे अपने आप है ना, हाँ वो उसे पक्का मारेगा, मैंने देखा था ये इसे नीचे गिराएगा, और ये और से अपने अपने नीचे गिरा दिया, और उसने बोट बना कर रख दी। ये मैं करके रहूंगा कैसे करके, आप लोग चिंता करो, मैं इसे करूंगा अभी, देखना गाइस मैं इसे करके रहूंगा। किधर जाना किधर है मेरे को? ओके तो मैं यहाँ से पहले बनाते इफेक्ट क्लियर कर देता हूँ। ओके तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और उस साइड। ओके गाइस तो मैंने यहाँ पे पूरा सेटअप बना लिया है, सामने मेरी वो क्राफ्टिंग टेबल और मेरे पास है प्लैंक, अभी मैं यहाँ से गिरूंगा और शिट भाई ये तो बहुत ज्यादा छोटा टाइम मिलता है यार। अरे यार मैं इस वाले रिस्पॉन पॉइंट पे आ गया, वो रिस्पॉन पॉइंट सेट करना भूल गया, अभी जाता हूँ उस पे। मैंने इस बार रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लिया है, और अभी नहीं भाई कैसे, कर दिया मैंने, कर दिया भाई, ओपी गाइस मैंने फाइनली ड्रीम बोट क्लच कर दिया। कितनी बार ट्राई में ज्यादा नहीं, बस 3-4 ट्राई में कर दिया मैंने ड्रीम बोट क्लच, और ये बिल्कुल चीटिंग से नहीं किया था मैंने, बिल्कुल चीटिंग नहीं गाइस, मैंने क्रिएटिव तो बिल्कुल किया ही नहीं, इसमें कमांड ब्लॉक का तो बिल्कुल यूज नहीं हुआ। बड़े हरामी हो ना, कि मैंने इसके अंदर रखा हुआ ट्रू करके लेविटेशन का इफेक्ट, तो होता क्या है कि मैं यहाँ पर ना जैसे इस यहाँ पर देखो ट्रिप वायर लगी हुई है, जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ टच करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को लग जाता है लेविटेशन का इफेक्ट, तो उसी वाले इफेक्ट को लेकर मैंने यहाँ पर बोट बनाई थी फटाक से और नीचे रख के और क्लच कर दिया। तो ये कोई चेटिंग नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया है गाइज, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था वैसे नॉर्मली करने का, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड था इसलिए नहीं हुआ मेरे से, और इसी में फेल हो गया। फाइनल एक क्लच जो बचा है वो है मेरा क्लच, अभी तक मैंने आप लोगों को मेरा क्लच नहीं बताया कि आखिर मेरा क्लच कौन सा है। तो सबसे पहले उसके लिए चाहिए मेरे को बोट, और मेरा क्लच मेरे से एक बार में नहीं होगा क्योंकि वही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और बैठने वाला तो सब लोग कर ही लेते हैं, मैं बिना बैठ के बोट में बच के दिखलाऊंगा आप लोगों को अभी। असंभव। तो मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ और ये मैं मर गया क्योंकि बोट भी प्लेस नहीं हुई थी मेरे से, और ये मैं कहाँ स्पॉन हो गया यार, मैं भूल गया। ओके तो अब इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया, ओ भाई साहब मैंने फाइनली वाला क्लच कर दिया, देखा मैं बिना बोट में बैठे आखिरकार मैंने बिना बोट में बैठे वाला क्लच कर ही लिया। ये मेरे से 10 में से 2-3 बार तो मैं इसे कर ही देता हूँ, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये, बट बिना बोट में बैठे भाई इजी नहीं है ये, जैसे बहुत ज्यादा जल्दी हो और बोट में बैठे बिना ही जल्दी से भाग जाओ ऊपर से, ये क्लच मेरे बहुत काम आने वाला है निज गेमर को ना पता चले, वरना वो इसे आइटम हंट में यूज करेंगे, वो बिना बैठी भाग जाए करेंगे, हम लोग सोचेंगे आखिर हुआ क्या। खैर मुझे तो पता रहेगा क्योंकि मैंने क्लच का इन्वेंशन किया है इसका, देख रहा हूँ मैं इन्वेंशन करने लग गया आजकल।
गाइस तो आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर ये वाली वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो का लाइक एम तो आपको पता ही है, दो लाइक का एक आपको अपने फोन से करना है, एक मम्मी के फोन से करना है। बाय बाय।